वुड प्लेनर मतलब के रंदा, जो कि लकड़ी की सफाई करने में काम आता है। रंदा यानी वुड प्लेनर, लकड़ी को प्लेन करने के लिए। ये कई तरह के हो सकते हैं, इसके डिफरेंट साइजेस भी आते हैं। जो कॉमन यूज़ होता है वो हमारे 1.25 इंच का ही यूज़ होगा, या फिर 2 इंच का भी यूज़ होता है जो कि बड़े साइज़ का होता है, जो कि तकरीबन 2 फुट लंबा होता है। इसके कॉमन क्या क्या यूजेज हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ये मैंने रिसेंटली ही कुछ महीनों पहले चाइना से मंगवाया, draws.pk से ही मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं वहाँ पर, तो चाइना की ये मेड है और ये काफ़ी अच्छा भी रंदा बना हुआ है, जिसको नोकी रंदा कहते हैं। ये आम यहाँ से मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा तलाश करने पर ही मिलेगा। लेकिन इसकी फिनिशिंग मुझे पिक्चर में ही देखने पर बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। और खुशकिस्मती ये थी कि सेम वही प्रोडक्ट मुझे मिली जो पिक्चर में शो की गई थी। नहीं तो ऑनलाइन अक्सर शॉपिंग करते टाइम ऐसा ही होता है कि जो तस्वीर दिखाई जाती है हमें वो चीज़ डिलीवर नहीं की जाती। जब हम पैकेट खोलते हैं तो हमने उम्मीद लगाई होती है कि जो तस्वीर में था उसी तरह की चीज़ हमें मिलेगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि सेम उसी तरह की प्रोडक्ट ही हमें मिली। और ये वाला तो लोकल हमें आम हार्डवेयर दुकान से भी मिल जाता है, या जहाँ से लकड़ी का सामान मिलता है वहाँ से भी मिल जाता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ से मिल जाती हैं। तो इसका यूज़ क्या है सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक लकड़ी का पीस है, इसका सरफेस ऊपर से देखिए कितना गंदा हो रहा है, और इसका लेवल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं से ये ऊपर है कहीं से ये नीचा है। तो इसका लेवल करने के लिए रंदे का यूज़ किया जाता है, लकड़ी के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं उसको काटने के लिए, क्योंकि ब्लेड होता है तो ब्लेड की मदद से हम इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। मशीन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ज़मानों में लोग हाथ की मदद से ही सारी लकड़ी का काम करते थे। इवन के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाते थे तो हाथ की मदद से ही और हैंड टूल से ही बनाते थे। आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक टूल्स आ गए हैं, पावर टूल्स आ गए हैं, उससे काम करने में बहुत आसानी मिल जाती है और काम जल्दी ही हो जाता है। लेकिन प्लेनर रंदा एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी भी यूज़ किया जाता है, और इसके बगैर कारपेंट्री आपकी मुकम्मल ही नहीं हो सकती, चाहे आपके पास मशीनरी हो या ना हो। क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी होती है, कुछ किनारे ऐसे भी होते हैं, कुछ लकड़ियाँ या साइज़ उसका ऐसा भी होता है जहाँ पर मशीन काम नहीं कर सकती, तो वहाँ पर हमें लोहे का या फिर लकड़ी का बना हुआ रंदा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें लोहे के भी आते हैं, जिस तरह ये लकड़ी की बॉडी है वो लोहे की बॉडी होती है, लेकिन लकड़ी वाले भी चलते हैं। चलिए इसको प्लेन करके देखते हैं इस रंदे की मदद से। ये देखिए इसका बूरा निकल रहा है और रंदे के अंदर भी ये फंस रहा है, ये देख सकते हैं। इसको बोलते हैं वुड शेविंग, मतलब कि लकड़ी की शेव हमने कर दी हो, बिल्कुल नीचे से नीट एंड क्लीन स्किन निकल आएगी। इसको हम ब्लेड को ज़्यादा बाहर भी निकाल सकते हैं हथौड़ी की मदद से। ये देखा आपने, काफी बड़ा शेव उतर रहा है उसका। थोड़ा सा इसको और बाहर निकाल लेते हैं। इसकी लुक आपको दिख रही होगी। अब इस लकड़ी को पहले ग्रिप अप कर लेते हैं ताकि ये स्लिप ना हो, काम करने में आसानी हो सके हमें। चलिए अब ये लकड़ी बीच में फिक्स हो गई है, अपनी जगह से हिलेगी नहीं। देखा आपने,
लीजिए जनाब, ये इसका आप चेक कीजिए, इसका बिल्कुल बैलेंस भी हो गया है। एक जैसी लकड़ी हमें दिख रही है, लकड़ी काफ़ी ऊपर नीचे थी, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। आप देख सकते हैं एंड तक ये स्मूथ हो गई है, और लकड़ी के जो अपने ग्रेन्स थे, अपनी लकड़ी की शेप थी, वो हमें दिखने लगी है। उल्टी साइड करके देखता हूँ, ये देखिए पहले उस साइड का इससे भी बुरा हाल था, तो अब आप देखिए कितनी नई हो गई है। ये है रंधे का काम, यानी कि वुड प्लेनर का काम। चलिए अब दूसरे रंधे का इस्तेमाल करके देखते हैं। ये रंधा तो ज़्यादातर इसी काम में आता है, और जो नोकी रंधा है इसका क्या यूज़ है वो देखते हैं। इस नोकी रंधे का काम ग्रूव बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लकड़ी है, इसके सेंटर में से हमने कटाई करनी है जो एक जैसी ही लगे हमें, ताकि उसके अंदर हम कोई और लकड़ी का पीस रख सकें या उसको फिक्स कर सकें। क्योंकि ये वाला रंधा नोकी रंधा नहीं है, ये साइडों से इसका ब्लेड काम नहीं करता, क्योंकि इसके साइडों पर लकड़ी है, ये बीच में फिक्स है, इसलिए ये साइडों से कटाई नहीं कर सकता। लेकिन इसकी नोक है, ये देखिए यहाँ से भी बाहर है और यहाँ से भी। इसका मतलब कि ये जहाँ पर इसको चलाएंगे हम, वो एरिया काट देगा और ग्रूव भी बनता जाएगा लकड़ी के अंदर। चलिए पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, हम लकड़ी की मदद से कोई सपोर्ट देंगे दोनों साइडों से। हम इसको कीलों की मदद से पहले जहाँ पर इसकी कटाई करनी है उस हिसाब से हम इसका जिग तैयार करेंगे। चलिए जी, अब हम इसको इस लाइन के सेंटर में रखेंगे और इसको चलाएंगे। एक कील फिक्स कर देते हैं यहाँ पर। ये अपनी जगह से हिले नहीं। ये देखिए कितनी बारीकी से, जिस तरह एक पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है कुछ, इसी तरह ये इसकी कटाई कर रहा है। इसका ब्लेड हम थोड़ा सा बाहर निकालना चाहें तो उसी रंधे की तरह इसके ब्लेड को भी थोड़ा सा हम हिट करेंगे, आगे से ब्लेड थोड़ा सा बाहर निकल आएगा। लीजिए जनाब, ये देखिए एक ग्रूव बन गया है इसके अंदर। तो काम को आसान करने के लिए इस तरह टूल इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और इसका एक और यूज़ भी है, जैसा कि लकड़ी के एक साइड पर हमने ग्रूव बनाना है, वो किस तरह बनाएंगे उसके लिए भी एक सपोर्ट हम जिग बना लेंगे, जितना जितना हमें चाहिए उस हिसाब से। अब ये लकड़ी थोड़ी सी बाहर है, हमने यहाँ पर ग्रूव बनाना है, तो इस नोकी रंधे को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ये देखिए, चलिए
ग्रूव बन गया है यहाँ पर। यहाँ तक आगे से लकड़ी फिर से वैसी ही है जहाँ से हमने कटाई नहीं की है। यहाँ पर ब्लेड की मदद से हमने इसकी शेव कर दी है तो ये यहाँ पर ग्रूव बन गया है। तो ये है नोकी रंधे का काम। रंधे और भी बहुत तरह के होते हैं। अब नोकी रंधे की मदद से ही हम इसके जो ये किनारे हैं ये बिल्कुल एक जैसे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह नीट एंड क्लीन शेप हो चुकी है इसकी। ये उसने ऊपर से इसका पीस एक छिलका सा उतार दिया है। ये डस्ट वाला छिलका है, इसके ऊपर लकड़ी का बूरा भी लगा हुआ है देख सकते हैं आप। और जहाँ से हमने इसको रंधा यूज़ किया है वहाँ पर बिल्कुल ये जगह प्लेन हो चुकी है। तो रंधे का ये होता है काम। लेकिन ऐसे टूल्स यूज़ करते टाइम बहुत ही केयर बरतनी चाहिए। अगर केयरलेस होंगे तो आपको चोट भी लग सकती है क्योंकि ये बहुत ही शार्प ब्लेड होते हैं। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम शेव करते हैं जो ब्लेड यूज़ करते हैं बस उसी तरह की धार इसकी भी तेज़ है। थोड़ी सी गलती हुई तो हमें चोट लग सकती है। लेकिन यकीन मानिए ऐसे काम करने से हम फिज़िकली भी काफ़ी फिट रहते हैं। समझ लीजिए आपकी वर्जिश हो रही है, बॉडी की भी, बाजू की भी, और पसीने भी छूट रहे हों तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस केयरफुली काम करते रहें, बहुत मज़ा भी आता है ऐसे कामों में। चलिए रंधे के बारे में तो हमें पता चल गया। और ये मैंने लिया था 1850 रुपये का, विद शिपिंग चार्जेस मुझे पड़े थे ये चाइना से जब मैंने मंगवाया था। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि 700 से 800 रुपये का आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छे अंदाज से उन्होंने की हुई है इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। और जो लोकल हमारे यहाँ का मिल जाता है वो तकरीबन 600 से 700 रुपये का बड़े वाला, ये तकरीबन 1.25 इंच का ब्लेड है इसका, ये भी 500 से 700 के बीच में आपको मिल जाता है। तो रंधा आप ले आइए। अगर आप लकड़ी का काम थोड़ा बहुत करते हैं या करना चाहते हैं या आप शौकीन हैं ऐसे काम करने में, लेकिन केयरफुली आप ये काम करिएगा। किसी भी हार्डवेयर शॉप पर जाएंगे वहाँ पर ये मिल जाएंगी चीज़ें आपको। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।